नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी परफेक्ट, जहां आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज से हम डेली बेसिस पर आज का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे आपको इतिहास से जुड़े पहलू इन तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक विद्यार्थी के जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा ज्ञान के साथ हमारी नॉलेज और इतिहास के पहलू का ज्ञान होना आवश्यक है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कभी कभार। चलो शुरू करते हैं आज का इतिहास। 1 नवंबर, 1 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1755 में पुर्तगाली की राजधानी जो लिस्बन है, उसमें भूकंप से 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1765 ब्रिटेन के उपनिवेश में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया था। ब्रिटेन का जो उपनिवेश है वो हम भी थे, कभी इंडिया भी था। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जिसके अंडर में काम होता है, मतलब इंग्लैंड के कब्जे में बहुत सारे उपनिवेश हैं, इंडोनेशिया, बुल्गारिया, श्रीलंका, भारत, अन्य देश, साउथ अफ्रीका का भी। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। 1800 ईस्वी में जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 1858 में भारत में शासक ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया था, तथा जनरल गवर्नर की जगह अब वायसराय की नियुक्ति होने लगी थी, क्योंकि इसी दिन 1857 की क्रांति हो गई थी, जिससे इंग्लैंड की छवि बहुत ही बहुत ख़राब हो गई थी, आर्थिक तंगी आ गई थी। तो इसलिए इंग्लैंड ने सोचा कंपनी के हाथ से सत्ता से छीन कर इंग्लैंड के हाथ में दे दिया। उस समय गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी, जो सबसे बड़ा पद होता है। 1881 में कलकत्ता में ट्राम सेवा सलाइदा तथा अमेनिया घाट के बीच शुरू हुई थी। जो ट्राम सेवा वो इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुई थी। 1913 में स्वतंत्र सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर, जो अमेरिका के अंदर आता है, में गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 में ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया था, उसके सुल्तान के महमूद 6 को बहिष्कार कर दिया गया था। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना के नीदरलैंड वालचेरन पहुंची, जब द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम क्षण में था। 1 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया था। 1946 में पश्चिम जर्मनी के राज्य जो निदर सच सैन का गठन भी किया गया था। 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चतरंजन रेल कारखाना में बनाया गया था, जो भारत में। 1952 में जयनारायण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद संभाला गया था। 1954 में फ्रांसीसी शहर पांडेचेरी कैकल माहे या नोमन भारत सरकार को सौंपे गए थे, जो फ्रांसीसी कब्जे में थे। 1956 में आबू देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय हुआ और मध्य प्रदेश में शामिल सुनील टप्पा का भी विलय कर दिया गया था। और 1 नवंबर 1956 में राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। 1958 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया गया था, जब रूस के तो अभी 17 टुकड़े हो चुके हैं, पहले एक सोवियत संघ था दोस्तों। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, जिसकी आज जो कर्नाटक है, जिसकी राजधानी बेंगलोर है, उसे पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के देश में सिख विद्रोह दंगे भड़क गए थे, आज ही के दिन दंगे भड़क गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड ने की गई थी, और 31 अक्टूबर यानी कल उनकी पुण्यतिथि थी।
दोस्तों आज 1 नवंबर को जो जन्मे व्यक्ति हैं उनके नाम देख लेते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। 1942 में प्रभात खेतान में हिंदी भाषा के लक्ष्य प्रतिष्ठित उपन्यास कवित्री तथा नारीवादी चिंतक तथा समाज में सेविका थे। 1973 में ऐश्वर्या राय भारतीय अभिनेत्री की पूर्व मिस वर्ल्ड और रूबी भाटिया भारतीय अभिनेत्री थी। 1948 में संतोष गंगवार प्रसिद्ध राजनीतिक एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री। 1930 अब्दुल कवि देवदानी उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर थे। 1924 में रामकिंकर उपाध्याय प्रसिद्ध कथावाचक एंड हिंदी साहित्यकार का भी जन्म हुआ था। दोस्तों आज के दिन जिसका निधन हुआ था वो है 1980 में दामोदर मेनन, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक है दामोदर मेनन। दोस्तों ये भारत के लिए रिलेटेड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से 1 नवंबर के महत्वपूर्ण अवसर तथा उसके उत्सव जिसमें से पांडेचेरी का विलय भारत में कर दिया गया था आज ही के दिन, आंध्र प्रदेश की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, कर्नाटक की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, केरल की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, पंजाब की स्थापना 1966 में की गई थी, हरियाणा की स्थापना भी 1966 की थी। पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ आता है जो दोनों में हाईकोर्ट भी है, मतलब पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक है जिसमें दोनों की स्थापना 1966 में की गई थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है सप्ताह का। दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 नवंबर को, कल का इतिहास क्या था, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।